तो आज मैं जो सब्जी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई है। तो इस तरह से इस सब्जी को आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में कोई भी सब्जी नहीं है लेकिन बहुत ही टेस्टी और अच्छा सब्जी खाने का मन करता है, तो इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी लगती है, दो की जगह आप चार रोटी खा लेंगे इसके साथ, और इतनी आसानी से आप बना सकते हैं कि घर के ही इंग्रेडिएंट से बने हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से और घर के ही मसालों से। तो चलिए हमारे किचन में हम बनाते हैं इस तरह की मज़ेदार रेसिपी, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हेलो फ्रेंड, कुक विद रानु में आप लोग का स्वागत है। तो आइए हमारे किचन में, चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाते हैं। देखिए हमने कढ़ाई को रख दिया है फ्लेम पर गर्म होने के लिए, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, और इस ऑयल में जाएगा अब 1 छोटी चम्मच खड़ी जीरा, और इसे रोस्ट कर दीजिए। तो हमारा जीरा रोस्ट हो गया, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी प्याज को हमने बारीक बारीक काट के लिया है, 2 हरी मिर्च, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटा हुआ लहसुन, ये थोड़ी सी अदरक ग्रेट की हुई, सारी चीजों को मिलाइए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही तरह की सब्जी खाकर कर हम भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा आप डिफरेंट इस तरह की सब्जी, और कोई भी सब्जी अगर आपके पास घर में ना हो तो आप इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए इसे हमको हल्का गोल्डन कर लेना है, और देखिए अब ये हल्का रेडिश हो गई है, और इसमें अब हम डालेंगे ये 1 बाउल हमने मखाना लिया है, इसे भी मिला लीजिए इसमें हल्का सा, इसे रोस्ट कर लीजिए आप मखाने को इसमें। तो हमारे मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं, इसलिए हम कुछ अपने ड्राई मसालों को ऐड करेंगे। ये 1/4 हल्दी पाउडर एकदम थोड़ा सा डालना है, 1/4 चम्मच, और 1/4 जीरा पाउडर, 1/4 ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट अभी हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल रहे हैं, और टेस्ट के अनुसार हम फिर बाद में ऐड करेंगे। तो चलिए अब इसे हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो हमारे सूखे मसाले भी भून चुके हैं, और इसमें अब हम ऐड करेंगे ये बड़ी टमाटर को हमने चॉप करके लिया है, इसकी आपको प्यूरी नहीं बनानी है, आपको इसको बारीक बारीक काट के बनाना है। और इसे चलाते हुए अब हम इसे मिला देंगे इसमें, और इसे ढक कर 2 मिनट तक टमाटर के गलने तक इसमें सूखने देंगे। चलिए इसे हम देखते हैं, टमाटर गल चुकी है, और इसे हम अच्छी तरह से आप पहले मिला लीजिए, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और इसे भी आप इसमें मिक्स कीजिए। तो हमारे सारे मसाले भून चुके हैं, और इसमें अब मैं डालूंगी ये हमने लिया है 1 बाउल मलाई, ये फ्रेश मलाई है जो दूध के ऊपर मलाई होती है, इसे अब हम इसमें डालेंगे। और इसे आप अच्छी तरह से इसमें मिक्स कीजिए, और इसे अभी हमें सारे मसालों में इसे मिलाकर मलाई को, और इसे 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाना है मीडियम फ्लेम पर। देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं, और हमारी सब्जी देखिए इसमें से ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, और इस समय आप इस स्टेज पर नमक को चख लीजिए। हमने कम सॉल्ट डाला था, थोड़ा सा मैं सॉल्ट इसमें और डालूंगी क्योंकि मुझे कम लग रहा था, आप अपने सॉल्ट को चेक कर लीजिए तब डालिए, एक ही बार में बहुत अधिक सॉल्ट इसमें नहीं डालिए क्योंकि इसमें मलाई के कारण अगर थोड़ा सा भी अधिक सॉल्ट हो जाएगा तो आपकी सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो चलिए इसे अब हम हाई फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए और इसे भुनेंगे, और उसके बाद हम उतार लेंगे। देखिए इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा, अब इसमें हम धनिया की पत्तियों को डाल देंगे, और इसे भी इसमें मिला देंगे। तो लीजिए हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, इसे मिलाइए, और जब ये देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए इसका मतलब आपकी सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये सब्जी? देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है। तो इस तरह के इस सब्जी को बनाइए, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसे आप रोटी पूरी पराठे किसी भी चीज के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो चलिए, अगर अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह की यम्मी रेसिपीज उनके नोटिफिकेशन पे सबसे पहले पहुंचे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके, टेक केयर एंड बाय।